Assalamu alaikum beautiful people, this is me Ali Arshad and you are watching channel Babayoutube Shah. Guys, agar abhi tak aapne mera channel subscribe nahi kiya, ye subscribe ka button hai, saath hi saath ye bell icon hai, ye bhi press kar den, subscribe ka button bhi press kar den, taki jo bhi main video upload karunga uska notification aapko jal se jal mil sakega aur aap uska fayda utha sakenge. Guys, last time humne baat ki thi ke shopify ka mara lecture chal raha tha. Last time humne uske setup ke bare mein baat ki thi, uske baad uski aur jo cheeze hain, रिफंड पॉलिसी, उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी, उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस या टर्म्स एंड सर्विस, आप कह लें जो भी कह सकते हैं. तो आज हम थीम पे बात करेंगे. थीम का मैंने बता दिया था कि अपलोड कैसे होता है, कस्टमाइजेशन थीम की कैसे होती है, वो आज हम बात कर लेते हैं. तो थीम पे बात कर लेते हैं हम. तो मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा है शॉपी फाई, मैंने लिखा है शॉपीफाई, मैं ओपन कर लेता हूँ अपना अकाउंट. मैं शॉपीफाई अपना अकाउंट ओपन कर लिया है. और आपको अगर याद हो तो मैंने मेंस पे काम करना स्टार्ट किया था, मेंस पे हमने काम स्टार्ट किया था. मैं ऑनलाइन थीम में ऑनलाइन स्टोर में आ जाता हूँ अपने. ऑनलाइन स्टोर में आने के बाद ये व्यू स्टोर है, व्यू योर स्टोर, ठीक है, कस्टमाइज, ये मेरा थीम है, ठीक है, कस्टमाइज पे ये देखें, ये मेरा थीम है, मुझे कस्टमाइज पे क्लिक करना है. कस्टमाइज पे मुझे क्लिक करना है. मैं कस्टमाइज पे क्लिक किया. कस्टमाइज पे क्लिक करने के बाद ये मेरी डोमेन है और ये मेरा कुछ इस तरह से वो है. ये सारा कुछ आ गया, ये आ गया मेरा फीचर कलेक्शन. ये वो प्रोडक्ट्स होंगी, जब आप प्रोडक्ट व्यू पेज पे आएंगे तो उस पर बात करेंगे. अभी तो हेडर पे है. ओके, हेडर क्या होता है? हेडर होता है ये जो आपका लोगो है, ये जहाँ पे आपका लोगो वगैरह आना है, इसको हेडर कहा जाता है. उसके बाद स्लाइड बार, स्लाइड बार में क्या है, स्लाइड बार ये मेन्यू होते हैं जो साइड पर आ रहे होते हैं, ठीक है, मेन मेन्यू. उसके बाद अगर आपने जो भी और चीज़ें ऐड करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ पे ऐड करना है, ऐड मेन्यू में कर देता हूँ. यहाँ पे हम ऐड मेन्यू करते हैं, स्लाइड बार ऐड मेन्यू में यहाँ पे लिख देता हूँ. मैंने मेंस का रखा था, मैं यहाँ पे रख देता हूँ फुटवेयर. मैं मेंस कैटेगरी की कैटेगरी मैंने तैयार नहीं की हुई, मैं मेंस की वो बना के देख लेता हूँ. मैं दरास रोड पीके से आइडिया ले लेता हूँ कि मेन मेन कैटेगरी क्या होनी चाहिए. तो दरास रोड पी के मैंने ओपन किया है मेंस फैशन में, विंटर वेयर, मेंस शूज कर लेते हैं, मेंस एक्सेसरीज कर लेते हैं, मेंस शूज कर लेते हैं जी हम यहाँ पे, ठीक है. तो यहाँ पे इसको मैं सेव कर देता हूँ. मैं अगर पूरी बना के दिखाऊंगा उसमें काफ़ी टाइम वेस्ट होगा, तो मैं क्या करता हूँ अभी यहाँ पे होम पे जाते हैं, देखते हैं. ऑनलाइन स्टोर आ गया ये मेरा. ऑनलाइन स्टोर में व्यू स्टोर करके मैं देखता हूँ, साथ साथ करके दिखाता हूँ. ये अभी यहाँ पे शो नहीं हुआ, तो देख लेते हैं हम जो भी है वो सारा कुछ ऐड कर लेते हैं, ठीक है. तो कस्टमाइज पे थे हम, ये यहाँ से आप मेन्यू ऐड कर सकते हैं, स्लाइड बार. उसके बाद फीचर कलेक्शन आ गई, फीचर कलेक्शन, ये फीचर कलेक्शन प्रोडक्ट आ गई, होम पेज आ गया, ठीक है. कलेक्शन होम पेज पे जो कलेक्शन आपने शो करनी है, रिच टैक्स है, ये रिच टैक्स ये है. हर थीम लैदा लैदा होता है, तो हर थीम के लिहाज से आप जो भी लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं. हर थीम का थोड़ा सा डिफरेंट वे होता है. तो ये मैंने बस एक डेमो उठा के आपको करना बता रहा हूँ कि इसको कैसे ऐड कर सकते हैं आप. तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हियर यू कैन बाय ऑल मेंस, वी आर अबाउट मेंस फैशन, वी, मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, वी हैव क्लॉथ
कलेक्शन के स्पेलिंग मेरे गलत हो गए हैं, वी हैव हर कलेक्शन ऑफ मेंस फैशन ब्ला ब्ला, जो भी आप लिखना चाहते हैं, टॉक अबाउट योर ब्रांड विद चीप प्राइस। आप कुछ भी कर सकते हैं, साइज इधर से स्मॉल जो भी आपने उसका टैक्स का रखना है। टॉक अबाउट आवर ब्रांड कर देते हैं हम यहाँ से, इसका जो भी आपने साइज वगैरह करना है यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से शो हो रहा है। तो उसके बाद इसको मैं यहाँ से सेव करते, तो मैंने सेव किया, सेव करने के बाद ये भी सेव हो रहा है, ये चीज़ चल रही थी सेव हो चुका है। तो यहाँ से देखें फीचर कलेक्शन में वो आ जाएंगे, फूटर में आपका क्या आ जाता है, फूटर में ये देखें लिंक्स आ रहे हैं, लिंक्स में आप जो भी यहाँ पे फूटर्स में देना चाहते हैं यहाँ पे आप दे सकते हैं। ऐड कंटेंट करके आप जो भी मेन्यू देना चाहते हैं, टैक्स, साइनअप न्यूज़, साइनअप लेटर न्यूज़, ये यहाँ पे कोई अपनी ईमेल देता है तो वो सब्सक्राइब करेगा, आपकी कोई भी न्यू अपडेट जाएगी तो वो उसके पास चली जाएगी। तो इस तरह न्यूज़ हो गया। उसके बाद ऐड कंटेंट करके आप टैक्स लगा सकते हैं, फेसबुक या जो भी आपने लगाना है, कंटेंट टास्क कर सकते हैं आप। कंटेंट टास्क का यहाँ पे आप अपना एड्रेस दे दें, फॉर एग्जांपल मैं एड्रेस दे देता हूँ, हाउस नंबर या ऑफिस नंबर वर्ड रेट सेंटर दुबई, जो भी आपका अपना एड्रेस है आप वो दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गई बात, यहाँ से हम इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद ये अभी सेव हो रहा है, आप देख सकते हैं ये सेव हो रहा है। तो उसके बाद हम आ जाते हैं जी, ये सब कुछ आ गया, फूटर, साइड बार, आपने जो भी साइड बार मेन्यू में ऐड करना है, मेन्यू में हमने ऐड करना था नहीं हुआ, तो मैंने मेन मेन्यू फूटर मेन्यू में आते हैं, फूटर मेन्यू में क्या क्या है हमारे पास, फूटर मेन्यू में अभी लिंक है, सर्च है, उसके बाद भी इन दी नाउ साइन अप दी लेटेस्ट न्यूज़ है, ऑफर एंड स्टाइल्स, कंटेंट टास्क का नंबर लिखा है हमने, कंटेंट टास्क पे अपना एड्रेस वगैरह लिखा है। तो इस तरह से अब मैं हेडर पे आ जाता हूँ, हेडर पे आप सेलेक्ट इमेजेस करके अपना लोगो लगा सकते हैं। लोगो आप कहाँ से बना सकते हैं, वो लास्ट टाइम आपको शायद अगर याद हो तो मैंने एक बताया था, श्रिंक फोटो मेकर के नाम से एक सॉफ्टवेयर था जिसमें हमने बात की थी, तब लोगो कैसे बनाना है यूट्यूब के लेक्चर में मैंने बात की थी, तो वो भी मैंने बताया था। अगर आप ऑनलाइन करना चाह रहे हैं, प्रोफेशनल तरीके से काम करना चाह रहे हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप फाइवर से कोई लोगो बाय कर सकते हैं, डिज़ाइनर कोई बाय कर सकते हैं, सस्ता सा डिज़ाइनर मिल जाता है तो काफ़ी अच्छी चीज़ आपको मिल जाएगी, डिज़ाइन लोगो डिज़ाइन $5 में, इस तरह से कुछ 400-500 में आपका लोगो तैयार हो जाएगा, अच्छा अच्छे डिज़ाइन का। अब अगर इसकी रेटिंग देखी जाए तो ये फाइवर पे है, $10 में दे रहा है, ठीक है। तो ये काफ़ी, इसकी अगर रेटिंग देखें तो आई विल डिज़ाइन अ यूनिक फिल्ड पेन लोगो सिग्नेचर, अच्छा लोगो सिग्नेचर तैयार करके दे रहा है। इस तरह से आप कुछ भी कर सकते हैं, आई विल डिज़ाइन अ मॉडर्न मिनिमलिस्ट डिज़ाइन, आई विल डिज़ाइन ए प्रोफेशनल ब्रांड लोगो फॉर योर बिजनेस। अब देखें 5 पॉइंट इसकी यूं रेटिंग है, बेसिक $50 है, $50 $5,000 में तकरीबन। तो इस बंदे के रिव्यू देखे जाएँ, ग्रेटेस्ट ऑफ थैंक यू, इस तरह से अगर इसके आप रिव्यू देखें तो काफ़ी अच्छे रिव्यू हैं, 51 लोगों ने इसको रिव्यू दिया हुआ है। तो इस तरह से आप लोगों को भी सस्ता भी मिल जाता है, ये उसका कुछ पोर्टफोलियो है जो उसने काम किया हुआ है, तो ये लोगो इसने तैयार किए हुए हैं।
कुछ इस तरह से इसने लोगो तैयार किए हैं, काफ़ी अच्छा वर्क किया हुआ है। आप ये बंदे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ये मेरा नहीं है कोई भी, मेरा अकाउंट नहीं है ये, आप कहीं भी कर सकते हैं जहाँ पे आपका दिल करे आप काम कर सकते हैं। फ्रॉम USA, यूनाइटेड स्टेट का बंदा है, तो आप कहीं से भी लोगो ले सकते हैं। अगर आप खुद लोगो डिज़ाइनर हैं बना सकते हैं, आपका कोई दोस्त है आप उससे बनवा सकते हैं, लाजिम नहीं है कि आप खरीदें। तो होट भी है, मैं एक वेबसाइट है लोगो mkr.com, मैं वैसे ही बनाने के लिए आपको यहाँ से करके दिखा देता हूँ, लोगो mkr, यहाँ पे आपका लोगो तैयार हो जाएगा। मैंने नाम क्या रखा हुआ है, होट वी के नाम से मैंने रखा हुआ है डिज़ाइन। ओके, आप यहाँ पे सर्च 1 मिलियन ग्राफिक्स मेंस फैशन, ये देखें आप इस तरह से मेंस फैशन भी उठा सकते हैं, कोई भी आप देख के डिज़ाइन कोई भी उठा सकते हैं जो आपका दिल करे। तो मैं यहाँ से मेंस फैशन की बात करता हूँ, तो मैं ये उठा लेता हूँ, तो इसको आप यहाँ पे कर लें, ये कुछ इस तरह से आप कर लें जो भी आपने करना है। या मैंने इसको इस तरह कर लिया है, इसको इस तरह कर लिया है, जैसे आपने करना है आप कर सकते हैं। तो इस तरह अगर आपने टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करना है, ये टेक्स्ट का यहाँ पे आप अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं, होट भी मैंने लिख दिया है, तो यहाँ से आप उसका टेक्स्ट का स्टाइल भी कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये देखें, ये टेक्स्ट का कलर चेंज हो रहा है, तो आप जहाँ से करना चाहें टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको हम कर देते हैं जी के डन है, हमें यही चाहिए। मैं ये लिख के कर देता हूँ डाउनलोड हाई रिस्क फाइल डाउनलोड एंड एग्री, तो ये मेरा लोगो डाउनलोड हो चुका है। तो कस्टमाइज में जो हेडर था वहाँ पे हम आए हैं, तो यहाँ पे अपलोड एंड इमेज पे क्लिक किया है, तो आई थिंक डाउनलोड में आई होगी। ये मेरा लोगो आ चुका है, तो मैं लोगो अपलोड कर दिया है, कुछ इस तरह से मेरा लोगो आया है। तो मैं सिलेक्ट कर देता हूँ जी, आप अपना करवा सकते हैं जो भी आपने करवाना है, या तो मैंने वैसे ही आपको बना के दिखाया कि इस पे कैसे आपने काम करना है। तो ये हमारा हो चुका है, मैं लोगो अपना ऐड कर दिया है। उसके बाद स्लाइड बार आ जाता है, स्लाइड बार में क्या है, स्लाइड बार में देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या है। स्लाइड बार में हमारे पास ये सारी वो आ रही हैं चीज़ें, ये स्लाइड्स चलेंगी, यहाँ पे आप जो भी कुछ ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो साइड बार तो उसके बाद ये चीज़ें आ गई हमारी, ख़त्म हो गई। उसके बाद जनरल सेटिंग में आना है, जनरल सेटिंग में आके कलर्स हैं, उसके बाद फोटोग्राफी है, कार्ट है, कार्ट जो फॉर एग्ज़ाम्पल ये कार्ट, इसको कार्ट कहा जाता है, जो शॉपिंग की ट्रॉली बनी होती है जहाँ पे आपकी चीज़ें जाती हैं, जो भी आप ऑर्डर करते हैं या यूज़र की जो भी चीज़ें होती हैं वो जाती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टे ऑन करंट पेज व्हेन आइटम इज ऐड टू कार्ट, ओके स्टे ऑन इस पे कर देते हैं। मैं करता हूँ जी नहीं, मुझे नहीं चाहिए ये, तो सेफ चेंज करते हैं। कार्ट में अगर कोई चीज़ डालते हैं तो वो किस तरह से ओपन होगा, कार्ट में अगर कुछ डालते हैं तो इस तरह से वो ओपन होगा। अगर आप यहाँ पे क्लिक करना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करके इसको सेट कर लें जैसे आपका दिल करे आप कर सकते हैं। तो उसके बाद मैं बैक आ जाता हूँ, उसके बाद नेविगेशन, ये सारी चीज़ें हैं, सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे सेलेक्ट आइकन करके फेसबुक लगाना चाह रहे हैं, मैं तो कर देता हूँ जी फेसबुक, मैं अपना इसका लिंक दे देता हूँ जी चलो जी। ट्विटर में नहीं है, ट्विटर.com/ali.arshad11,
ये मेरा ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, उसके बाद आपका जो जो भी है गूगल प्लस, यूट्यूब जो भी है, बीमी हो, उसके बाद जो जो आपका है वो आप दे सकते हैं। ये देखें, ये मैंने अपना दे दिया है, तो ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे शो हो चुका है। ये देखें, फेसबुक का ये आइकन शो हुआ है, होट बी ऑन फेसबुक, इस तरह जब आप ओपन करेंगे वो वहाँ पे आपको ले जाएगा। तो ये हो गया, उसके बाद चेकआउट आ गया। चेकआउट में आपने जो भी करना है, चेकआउट का आपने लोगो कौन सा लगाना है, कस्टम लोगो, बैनर, बैकग्राउंड बैनर, उसके बाद मेन कंटेंट एरिया वाइट, यहाँ से आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, ऑर्डर समरी, उसके बाद बटन वगैरह का आप कलर चेंज करना चाहते हैं, ये बटन्स कोई भी हैं तो उनका कलर चेंज हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो उसके बाद ये एरर कोई भी आए तो उसका मैसेज किस तरह का आना चाहिए, तो वो भी आप यहाँ से सारा सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से कुछ है, काफ़ी इजी है। अगर आप प्रोफेशनल थीम यूज़ करेंगे, हर थीम डिफरेंट होता है, तो इसलिए मैंने ये ज़रा, मुझे थोड़ा सा बेहतर लग रहा था मैंने इसलिए ये यूज़ किया था थीम। तो हमारा सेव हो चुका है, तो इसमें सेव कर लेते हैं, मैं सेव किया है। अभी हम देख लेते हैं विजिट करके कि हमारा स्टोर व्यू क्या आ रहा है। ये हमारा स्टोर व्यू आ रहा है फेसबुक इस तरह से। तो इस तरह आप कुछ भी लगा सकते हैं। तो अगर आप अभी भी थीम चेंज करना चाह रहे हैं, व्यू थीम स्टोर यहाँ पे लिखा आएगा, अपलोड मोर थीम, अगर आप अपना थीम अपलोड करना चाहते हैं वो है फ्री थीम, विजिट थीम स्टोर, शॉपिफाई का थीम स्टोर जो है वो आप विजिट करें और वहाँ पे आप जो भी करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। तो ये देखें, मैंने कौन सा लिया था, आई थिंक हमने ये वाला लिया था। तो इसमें कुछ इस तरह से था, होम एक्सेसरीज, फुटवेयर, जींस, उसके बाद ये कुछ खास नहीं, स्लाइड्स वाला होना चाहिए मेरे मुताबिक, न्यूज़ से रिलेटेड है ये, मेंस, ये काफ़ी बेहतर लग रहा है। आप थीम खुद ही देख सकते हैं जो आपको पसंद आए, जो भी आप करना चाहते हैं थीम आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये नीचे कैटेगरीज के लिहाज से आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स, टॉयज एंड गेम्स है, हेल्थ एंड ब्यूटीज है, उसके बाद क्लॉथिंग एंड फैशन है, इसमें मेंस भी आ जाएगा, फ्री हम कर लेते हैं, पेड 44 है, फ्री 5 है, तो फ्री देख लेते हैं जी, हमें फ्री चाहिए, हम फ्री देख लेते हैं। तो मैं ऑलरेडी वो वाला, ये वाला ओपन कर चुका हूँ, तो इसको हम विजिट कर लेते हैं, ये क्या थीम है, तो व्यू डेमो कर लेते हैं। व्यू डेमो करने के बाद ये कुछ इस तरह से आएगा, ये काफ़ी बेहतर लग रहा है, वूमेन मैन, उसके बाद सेल्स, लोक बॉक, उसके बाद ये कुछ इस तरह से आ रहा है। तो इसको हम अगर ओपन करते हैं, ये इस तरह से ओपन हो रहा है। चले ठीक है जी, मैं ऐड थीम, ये थीम ऐड कर लेता हूँ, तो ताकि आपको थोड़ा प्रॉपर और गाइड कर सकेंगे। मैंने ये थीम ऐड की है, ये थीम ऐड हो रहा है, थीम ऐड हो रहा है। तो थीम ऐड होने के बाद देखते हैं, गो टू योर थीम मैनेजर, थीम मैनेजर में गए तो कस्टमाइज कर लेते हैं। कस्टमाइज थीम करने के बाद स्लाइड शो आ गया, साइड बार देखें, अभी उसमें हमारे पास साइड बार था, साइड बार मेन्यू था, ये नहीं था, अनाउंसमेंट बार, स्लाइड शो, एक्शन बार आ गया, रीच टेक्स्ट आ गया, होम पेज, न्यूज़लेटर, ये सारा कुछ आ गया। उसके बाद फुटर्स आ गया, फुटर्स में हमारे पास क्या क्या है वो हम देख सकते हैं। फुटर में अभी हमारे पास सब्सक्राइब टू आवर न्यूज़लेटर है, इस तरह से है। और अभी अगर हम स्लाइड शो देखें तो स्लाइड शो में हमारे पास कुछ नहीं है। स्लाइड शो मैं कहाँ से लूँगा, स्लाइड शो के लिए तस्वीरें कहाँ से लूँगा, ये एक वेबसाइट है, कैन वे, यहाँ पे मैं, मेरा अकाउंट है था, मैं अपना अकाउंट लॉग इन कर लेता हूँ। नहीं, मेरा अकाउंट फेसबुक से कनेक्ट था आई थिंक। ओके, ये मेरा हो चुका है, यहाँ पे आप अपना हॉल योर डिज़ाइन शेयर, कुछ भी आप शेयर कर सकते हैं। तो
उसके बाद एक और है फ्री पिक्सा फ्री इमेजेस, यहाँ पे आप वो कर सकते हैं अपने डिज़ाइन वगैरह बैनर वगैरह तैयार कर सकते हैं। तो ऑल योर डिज़ाइन क्रिएट अ टीम फाइंड टेम्पलेट्स, उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी मेंस फैशन। मेंस फैशन में मैंने लिखा है तो मेरे पास क्या आया, कुछ इस तरह की थीम आई, इस तरह की तस्वीरें आई हैं। तो आप देख लें आपको जौन सी बेहतर लगती है आप वो लिख सकते दे ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। ये तस्वीर अच्छी है मैं ये उठा लेता हूँ जी, मैंने इसको सेव किया, मैं फ्री डाउनलोड करता हूँ, मैंने इसको डाउनलोड कर लिया जी। अब मैं इसको डाउनलोड कर लिया तो मैं फ्री इमेज में जाता हूँ, यहाँ पे मैं जाता हूँ, अभी तक डाउनलोड नहीं हुई, इमेज का साइज बड़ा है इसलिए उसने थोड़ा टाइम लिया। तो मैं यहाँ पे गया, ये मेरा वो है लोगो जो मैं स्लाइड बार लगाना है, ये मेरा स्लाइड बार है, ये मैंने लगाया है, सिलेक्ट मैंने किया है। सिलेक्ट करने के बाद इसका स्टोर नेम साइज टेक्स्ट कस्टम लोगो ठीक है, टेक्स्ट कलर उसके बाद टेक्स्ट कलर देख लें, टेक्स्ट साइज जो भी आप करना चाह रहे हैं। चलें जी मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद देख लेते हैं हमारे पास स्लाइड कहाँ पे आई है। तो मैं इसको यहाँ से चेक किया, नॉन समथिंग नॉसमेंट समथिंग है स्लाइड शो, फिर देखते हैं अभी सेव नहीं हुई आई थिंक। उसके बाद इमेज ऐड इमेज कंटेंट में देखते हैं कंटेंट इमेज, इधर से आप इमेज ऐड कर सकते हैं, ऐड इमेज करते हैं जो भी आप इमेज ऐड करना चाहते हैं। यहाँ से मैं इस पर क्लिक करता हूँ, कस्टमाइज कर लेते हैं जी, कस्टमाइज करने के बाद मैं ये सिलेक्ट की, सिलेक्ट करने के बाद सेव की, तो ये देखें वो पहले मैं उसके लोगों की जगह पे दे रहा था। तो यहाँ पे यहाँ से मैं ये रिमूव कर देता हूँ जी, तो होट भी आ गया, यहाँ पे आप अपना टेक्स्ट दे सकते हैं जो भी आपने देना है ये होट भी की जगह ठीक है। तो इस तरह से देखें काफ़ी चीज़ें हैं, इसको मैं सेव कर देता हूँ जी, मैंने सेव किया है। आप यहाँ से इमेजेस ले सकते हैं, काफ़ी मार्केटर्स जो हैं इंटरनल मार्केटर्स उनके लिए काफ़ी वेबसाइट बेहतरीन है वेबसाइट इमेजेस निकालने के लिए। तो यहाँ से हमने इमेज डाउनलोड करनी थी कर ली है। तो अगर अभी बात की जाए तो ऑनलाइन स्टोर, ऑनलाइन स्टोर व्यू कर लेते हैं, व्यू करके मैं आपको दिखा देता हूँ ये कुछ इस तरह से हमारे पास आया। तो यहाँ पे आप कितनी स्लाइड लगाना चाहते हैं स्लाइड बार वो लगा सकते हैं, बैनर ये आपका वो कैटलॉग आ गया है, यहाँ पे आपके होम का पेज जो भी आप पेज ऐड करना चाहते हैं, उसके बाद कैटलॉग्स है इस तरह से, ये सारा कुछ जैसे मैंने आपको पहले बताया इस तरह से आप कुछ भी प्रोडक्ट्स वगैरह सारी ऐड कर सकते हैं। कैटलॉग में जाके देखते हैं, कैटलॉग में कुछ भी नहीं है अभी क्योंकि हमने अभी कुछ ऐड नहीं किया। तो इस तरह से आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं जैसे आपको मैंने बताया है थीम पे। दोबारा मैं कस्टमाइज थीम पे आके आपको सब बता देता हूँ थोड़ा सा, आप थीम जो भी कर रहे हैं जो भी कस्टमाइजेशन जैसे भी आप कर रहे हैं जो भी है जनरल सेटिंग में फेसबुक है, उसके बाद कार्ट वगैरह जो भी आप करना चाह रहे हैं कस्टमाइज वो सारा कुछ आपके पास शो हो रहा है। तो इस तरह से आप अपना कुछ भी ऐड कर सकते हैं, ये मैंने ऐड किया है। तो आप अपलोड भी थीम कर सकते हैं, अपलोड आपको थीम फॉरेस्ट से मिल जाएंगे। मैं थीम फॉरेस्ट ओपन कर लेता हूँ जी, थीम फॉरेस्ट थीम की सबसे बड़ी वेबसाइट है वर्डप्रेस के, ब्लॉगर के, उसके बाद मजेंटो, उसके बाद काफ़ी मिल जाते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी शॉपिफाई मैंने लिखा जी, शॉपिफाई में $39 इस तरह से सारे आपके पास लोगो आ रहे होंगे, इस पे आपके पास सारे लोगो आ रहे हैं, देख सकते हैं आप डिज़ाइन कोई भी कर सकते हैं। तो इसलिए
आप कोई भी इस यहाँ से बाय कर सकते हैं, आपने अगर कोई बाय करना है तो आप वो सारा कुछ कर सकते हैं। सो गाइस, ये हमारी थी आज की डोमेन कस्टमाइजेशन। डोमेन कस्टमाइजेशन क्या होती है, कैसे की जाती है, डिज़ाइन कैसे, उसमें चीज़ें कैसे ऐड करनी है, वो सारी आज हमने बात किया। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करें मेरा चैनल और ज़रूर मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ दो में याद रखें, कीप वॉचिंग माई चैनल, कीप विजिटिंग माई चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।